सीधी भाषा में बात करूं तो इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के नाम पे इतनी कैसेट को उलझा दिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की न्याय अब फुटबॉल की तरह दिखती है, जिनको ये लोग आपस में लात मार के एक दूसरे की तरफ पास एंड प्ले कर रहे हैं। वेलकम टू न्यूज बंदर, मैं हूँ शुभम राजपूत। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में तो कितनी सारी चीजें हमारे सामने आई है और बहुत सारी बातें हमको पता चली है जो कि नहीं चल पाती, जैसे कि किस तरह से दो राज्यों की पुलिस आपस में बिल्लियों की तरह लड़ाई करती है और एक केस में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देती है। तीसरी बात है कि दो फैमिलीज आपस में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर दोष देती रहती है। और सबसे खास बात है कि न्यूज़ चैनल या फिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को कैसे कवर करता है और इन सबके मजे लेके अपने आप को जज साबित करके किसी को भी दोष ठहरा देता है। लेकिन इन सबके बीच में एक चीज जो सबसे ज्यादा सामने आना चाहिए थी वो गायब हो गई है, वो है न्याय। कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद में पटना पुलिस सामने आई और अब दोनों नहीं है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है और मुंबई पुलिस इसका विरोध कर रही है। लेकिन इसके अलावा इतना सब होने के बाद में भी केस इतना सुलझ गया है नहीं उलझ गया है, जैसे कि ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने भी आ रही हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली रिया चक्रवर्ती के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहती है कि रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए गायब किए। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उसकी फैमिली से दूर करती आ रही है। वहीं पर मीडिया ये आरोप लगाती आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार काला जादू करता था, खासकर रिया चक्रवर्ती। कुछ दवाई देके सुशांत सिंह राजपूत को थोड़ा पागल बनाते थे ये लोग और बीमार कर रहे थे। वहीं पर रिया चक्रवर्ती की फैमिली बोलती है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशन अच्छे नहीं थे, किस तरह से वो इन सब से दूर रहता था, किस तरह से वो थोड़ा डिप्रेशन में जाते जा रहा था। और महाराष्ट्र पुलिस तो भैया अलग ही मूड में है। कहने का मतलब है कि उसने सुशांत की फैमिली को भी टारगेट कर दिया, बिहार की सरकार को भी टारगेट कर दिया, पटना की पुलिस को भी टारगेट कर दिया, बस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक भी बात नहीं बोली है। सुशांत की फैमिली के लिए तो उसने ये तक कह दिया है, यहाँ तक कि शिवसेना के खास है संजय राउत, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी शादी होने वाली थी, जिसके कारण से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और हो सकता है कि उन्होंने इस कारण सुसाइड किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कुछ बोलने की बात है, क्या बोलते हो थोड़ा समझ के बोला करो यार, हंसी आती है मुझे सोच के। और तुमको क्या करना है यार, शादी करी हो नहीं करी हो तुमको क्या मतलब है उससे? ये सब बातें शिवसेना और उसके जो भी शिव सैनिक है उसकी सोच बताता है। सीधी भाषा में बात करूं तो इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के नाम पे इतनी कैसेट को उलझा दिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की न्याय अब फुटबॉल की तरह दिखती है, जिनको ये लोग आपस में लात मार के एक दूसरे की तरफ पास एंड प्ले कर रहे हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इन लोगों ने आपस को दो टीमों में बांट लिया है। पहली टीम है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और मीडिया, दूसरी टीम है महाराष्ट्र की सरकार और रिया चक्रवर्ती की फैमिली। अब हो क्या रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली कुछ एक पत्ता फेंकती है तो रिया चक्रवर्ती ब्लेम करने के लिए दूसरा पत्ता फेंक देती है, फिर मीडिया तीसरा पत्ता फेंकती है और बाद में महाराष्ट्र की सरकार चौथा पत्ता फेंक देती। कहने का मतलब कि भैया तुम लोगों ने गेम बना के रख दिया है। कुछ भी एक सीधी सिंपल सी जो इन्वेस्टिगेशन होना थी उसको इतना उलझा के रख दिया है। और जब सीबीआई इस पे काम कर रही है तो आप लोग सीबीआई को भी काम करने नहीं दे रहे, खास करके रिया चक्रवर्ती की फैमिली और महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार सीबीआई को काम ही नहीं करने देना चाहती, वो चाहती नहीं है कि सीबीआई काम करे, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ अड़ंगा डालती आ रही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप एक तरफ देख सकते हैं कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को न्याय चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय चाहिए, इसलिए वो ब्लेम लगा सकती है। रिया चक्रवर्ती जो ब्लेम लगा रही है वो भी ठीक है, अपने काउंटर में लगा रही है, लेकिन ये जो सरकारें आपस में ब्लेम गेम कर रही है वो अब थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और इससे सीबीआई की जांच भी प्रभावित हो रही है। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की जांच जो चल रही है वैसे ही चलना चाहिए या फिर सीबीआई को और ज्यादा स्ट्रांग तरीके से इसमें पूछताछ करना चाहिए? जो भी आपका आंसर हो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो आप कमेंट करते नहीं हो, फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप कमेंट करना, और ये बात भी मैं बोलते आ रहा हूँ लेकिन आप करते नहीं हो, फिर भी मैं बोलूंगा कि वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो भैया
सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी भैया मेरी बातें तो समझ सके, मेरे वीडियो देखें। आप लोग ने शेयर करोगे तो दूसरे लोगों को मेरा वीडियो कैसे पहुंचेगा और फिर वो मेरे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ओपिनियन कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।